नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे जो है इसे पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और लिखने का प्रयास। दूसरा दोस्तों, एक छोटा सा इंट्रो भी आप इन जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के ऊपर दे पाएंगे इस वीडियो के बाद, तो जो कि बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला है दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, और इससे रिलेटेड आप क्या फैक्ट्स जानते हैं? अगर आप जानते तो मुझे बताइए, अदरवाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि ताजमहल जो है इसके बारे में जानिए दोस्तों क्या है। तो ताजमहल इज एन इस्लामिक आइवरी वाइट मार्बल है ना माउसोलियम ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा, ठीक है। आगरा तो आगरा है, और इसका कहने का मतलब है कि ये जो है ताजमहल जो है एक इस्लामिक है, मार्बल से बना हुआ एक मकबरा है जो कि यमुना नदी के किनारे में है, दाहिने तरफ है, यमुना नदी के दाहिने किनारे दाहिने तरफ है जो कि आगरा सिटी में है, आगरा में है, ठीक। ये है दूसरा वैसे ये इम्पोर्टेंट ये है कि ताजमहल वॉज कमीशन्ड इन 1631 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां टू द टॉम ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। इट ऑल्सो हाउस द टॉम ऑफ शाहजहां हिमसेल्फ। दोस्तों यहाँ जो है, एक तो इस जो ये आपने देखा पैरा, तो इस पैरा में तो ये बताया गया ना कि ताजमहल जो है एक इस्लामिक जो कि आइवरी वाइट कलर जो है और उसका मार्बल है, और मकबरा है जो कि यमुना नदी के किनारे में है जो कि भारत के आगरा शहर में है। दूसरा बात यहाँ से देखिए, इधर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, ताजमहल वाज कमीशन्ड इन 1631 बाय मुगल एम्परर शाहजहां, यानी शाहजहां के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था 1631 में, ठीक है। और ये जो घर है, जो हाउस है, मतलब टॉम जो कह सकते हैं इसे, मकबरा जो है ये उसकी सबसे जो कह सकते हैं फेवरेट, यानी कि बहुत जिसको प्यार करता था, इसका नाम मुमताज महल था उनकी वाइफ, उसकी उसके लिए बनवाया था मकबरा, और उसी मकबरा में वो खुद उसका घर भी है। कहने का मतलब उसको दफनाया गया था और उसके बाद उनको भी वहीं दफना दिया गया था उनके बगल में। तो ये था ताजमहल के बारे में कुछ। आप इसे जो है पढ़कर ऐसे बोल सकते हैं और बोलना चाहिए, ताजमहल याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ताजमहल इज एन इस्लामिक आइवरी वाइट मार्बल माउसोलियम ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर यमुना इन द इंडियन सिटी ऑफ आगरा। ताजमहल वॉज कमीशन इन 1631 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां टू हाउस टू द टॉम ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। इट ऑल्सो हाउस द टॉम ऑफ शाहजहां हिमसेल्फ। तो दोस्तों ये था ताजमहल के बारे में। अब देखिए, फतेहपुर सीकरी जो उत्तर प्रदेश में है, वो भी आगरा में ही है आगरा। तो देखिए फतेहपुर सीकरी के बारे में, फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी इज अ टाउन इन द आगरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी इट्सेल्फ वाज फाउंडेड एज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर इन 1571 बाय एम्परर अकबर, सर्विंग द रोल फ्रॉम द 1572-1585 है ना, व्हेन अकबर अबैंडन्ड इट ड्यू टू अ कैंपेन इन पंजाब and was later completely abandoned in 1610. It situated 36 kilometer from the district headquarters. दूसरी पूरा सार मैं बता दूँ, एक तो पढ़ना है कैसे समझना है कि भाई फतेहपुर सीकरी जो है एक शहर जो है, फतेहपुर सीकरी चूँकि शहर है जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट यूपी के आगरा डिस्ट्रिक्ट में है, ऐसे समझिए। और इसको दूसरे तरह समझ सकते हैं कि ये फतेहपुर सीकरी जो खुद
इसकी स्थापना जो है कि राजधानी के रूप में हुई थी, यानी मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसकी स्थापना हुई था 1571 ईस्वी में, और अकबर के शासनकाल में ये भी रहा, ठीक है। उसके बाद अकबर जो कि कम पंजाब में, फिर उसके बाद उधर मतलब बाद में इधर उधर जो भटक रहे थे उस दरमियान भी रहा। इट सिचुएटेड मतलब ये जो है 36 किलोमीटर जो है एक्चुअली एग्जैक्ट है 35.7 किलोमीटर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यानी अभी जो वर्तमान में आगरा का जो मेन हेडक्वार्टर वहाँ से 36 किलोमीटर की दूर में ये स्थित है, ठीक है। तो चलिए फतेहपुर सीकरी आपने देख लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, और इंडिया गेट के बारे में ये देखिए, इंडिया गेट नोन एज द, ठीक है, इंडिया गेट नोन एज द क्या, किसके बारे में, तो ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज अ वॉर मेमोरियल लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ। पहले तो राजपथ नाम था, अब कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया है। ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द सेरेमोनियल एक्सिस ऑफ न्यू दिल्ली इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 84,000 सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डेड बिटवीन 1914 एंड 1921 इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 13,300 नेम्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द गेट। देखिए दोस्तों इसका ये सार है कि जो इंडिया गेट है उसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। और यह जो है वॉर मेमोरियल कहाँ है, इंडिया गेट क्या है, वॉर मेमोरियल है, ये पहला बात। इंडिया गेट को सब लोग इंडिया गेट कहते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई युद्ध जो हुआ था, है ना, तो मैं आगे मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये देखिए वॉर मेमोरियल जो है ये कर्तव्य पथ के किनारे या उसके आसपास में स्थित है, राजपथ कहते हैं। ऑन द ईस्टर्न एज ऑफ द सेरेमोनियल एक्सिस ऑफ न्यू दिल्ली में इट स्टैंड्स एज मेमोरियल टू, यह जो है खड़ा है 84,000 सोल्जर्स जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के थे, और जो जिनका जो मतलब लड़ते समय लड़ते हुए मर गए थे 1914 और 1921 के बीच, यानी कि ये 1914 से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जाहिर सी 18 में समाप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों और युद्ध हुआ था, अफगान वाला युद्ध हुआ था, ब्रिटिश अफगानी युद्ध था, उसमें भी मारे गए लोगों का भी जो है को ये समर्पित है। और 13 इस इंडिया गेट पे जो है 13,300 भारतीय मतलब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सैनिक थे, जिसमें कुछ अमेरिका मतलब इंग्लैंड के भी थे और मैक्सिमम जो है इंडिया के, तो उनका नाम जो है इस पर उत्कीर्ण किया गया, यानी लिखा गया है, इंस्क्राइब्ड है। तो आप जब नज़दीक से इसको आप कभी देखने का मौका मिलता है या आप देखेंगे तो सभी पे बहुत बारीकी में पूरे इंडिया गेट में जो है ये नाम खुदा हुआ है इंडिया गेट। तो चलिए इंडिया गेट के बारे में ये है फैक्ट्स, आप इसे एक बार पढ़कर और इसे आप बोलने का प्रयास करें। कैसे बोलेंगे, इस तरह से बोलिए, इंडिया गेट इज इंडिया गेट नोन एज अ ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज, या कैसे इंडिया गेट इज अ वॉर मेमोरियल लोकेटेड नियर द कर्तव्य पथ ऑन ईस्टर्न एज ऑफ द सेरेमोनियल एक्सिस ऑफ न्यू दिल्ली इट स्टैंड्स एज अ मेमोरियल टू 84,000 सोल्जर्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डेड बिटवीन 1914 एंड 1921 इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 13,300 नेम्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन द गेट, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो दोस्तों जामा मस्जिद के बारे में जानिए, जामा मस्जिद जो है इसके बारे में आप इस तरह से पहले जान लीजिए, द मस्जिद ए जहानुमा कॉमनली नोन एज द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्स इन इंडिया। इट वॉज बिल्ट बाय द शाहजहान बिटवीन 1650 एंड 1656
एंड इनोग्रेटेड बाय इट्स फर्स्ट इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी. इट्स सिचुएटेड इन द शाहजहानाबाद टुडे ओल्ड दिल्ली. तो दोस्तों ये जो है जामा मस्जिद है, इसके बारे में आप जानिए कि जामा मस्जिद है जो मस्जिद जहान नुमा को ही जामा मस्जिद कहते हैं, जो कि दिल्ली में है और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है मस्जिद है. यह इसको जो यह जो बनाया गया था, ये सात मुगल जो सम्राट थे वो जिनका नाम शाहजहां था आप जानते हैं, उन्होंने 1650 और 1650 से लेकर 1656 के बीच में ही बनवाया था. जबकि इसका उद्घाटन जो है इसके पहले ही इमाम सैयद अब्दुल गफूर शाह बुखारी ने किया था. और यह जो है उस समय जो कि दिल्ली का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था शाहजहानाबाद, वहाँ स्थित है. वर्तमान में यह ओल्ड दिल्ली में स्थित है, जो कि न्यू दिल्ली का ही एरिया कह सकते हो, दिल्ली का एरिया है ना. चलिए जाम मस्जिद के बाद देखिए ये है दोस्तों मैसूर पैलेस कर्नाटका. क्या है इसका दोस्तों मैसूर पैलेस? मैसूर पैलेस के बारे में क्या आप जानते हैं? देखिए मैसूर पैलेस ऑल्सो नोन एज अम्बा विलास पैलेस इज अ हिस्टोरिकल पैलेस. इट इज लोकेटेड इन मैसूर कर्नाटका. इट यूज टू बी द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द वाडियार डायनेस्टी एंड द सीट ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर एंड फेसेस द चामुंडी हिल्स ईस्टवर्ड. द करेंट स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1897 to 1912. दोस्तों मैसूर पैलेस जो है, मैसूर पैलेस को जो है अम्बा विलास के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐतिहासिक पैलेस है. यह जो है मैसूर कर्नाटका में स्थित है. इट यूज इज ये जो ऑफिशियल रेजिडेंस है वाडियार का, वाडियार साम्राज्य का जो है कह सकते हैं कि उसका राजमहल था. एंड सीट एंड द सीट ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर, मैसूर के भी थे. इसका जो फेस है चामुंडी पहाड़ी के तरफ जो है और करंट में मतलब वर्तमान में इसका स्ट्रक्चर जो है जो बना है कंस्ट्रक्ट किया गया 1897 से 1912 के बीच में बनाया गया है. तो मैसूर पैलेस कर्नाटका. नेक्स्ट देखिए कुतुब मीनार. दोस्तों कुतुब मीनार न्यू दिल्ली में है. कुतुब मीनार इज अ मीनारेट एंड विक्ट्री टॉवर दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कुतुब कॉम्प्लेक्स विच लाइज एट द साइट ऑफ दिल्लीज ओल्डेस्ट फोर्ट फोर्टिफाइड सिटी लाल कोट फाउंडेड बाय द तोमर राजपूत. इट्स मोस्ट बिल्ट बिटवीन द 1119 to 1220. इट्स स्टार्टेड बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कंप्लीटेड वाज हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश. इट्स हाइट 72.5 meters. फीट में बात की जाए तो 238 feet है. कहने का मतलब है कुतुब मीनार जो एक मीनार है और यह जो है एक विक्ट्री टावर भी है, विजय स्तंभ के रूप में भी है, जो कि विजय स्तंभ के रूप में भी है. कैसे तो आगे पता चलेगा. इसको जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट भी है जो कि दिल्ली के पुराने दिल्ली के पुराने जो अगर कह सकते किला जो है उसमें उस तरह का है ये जगह है. और ये लाल कोट फाउंडेड है, तोमर राजपूत से रिलेटेड भी है. और देखिए ये जो मोस्टली जो है 1200 कह सकते हैं लगभग 1200 से 1220 के बीच में बना हुआ है, यानी 1199 से. इसका शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और यही जो है विक्ट्री टावर क्यों कहा गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि शासन यहाँ स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है उसने स्टार्ट शुरू किया था और इसको कम्प्लीट किया उसके दामाद ने जिसका नाम इल्तुतमिश था. और इसका सबसे इम्पोर्टेंट हाइट को लेकर कंपैरिजन हमेशा होता है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है. तो भाई कुतुब मीनार का हाइट कितना है, तो 72.5 meters है, 72.5 meters इसके हाइट है. अगर फीट की बात की जाए 238 feet ऊंचा है ये कुतुब मीनार. कई फ्लोर का है, ठीक है, पाँच फ्लोर तो है ही इसमें. आप ये राउंड राउंड देख रहे हो तो ये फ्लोर ही है, फ्लोर है. क्योंकि अब लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये जो है कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित जो है ये कुतुब मीनार है, ये पहले से ही जैन धर्म से रिलेटेड, हिंदू से रिलेटेड थे. तो खैर विवाद है, ऐतिहासिक है, अलग बात है. चलिए अब देखिए पुराना किला दिल्ली. दोस्तों पुराना किला,
पुराना किला इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट इन दिल्ली. इट बिल्ट बाय द हुमायूं एंड सुरीद सुल्तान शेरशाह सूरी. इट इज थॉट बाय मेनी टू बी द लोकेटेड ऑन द साइट ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ इंद्रप्रस्थ. द फोर्ट फॉर्म्ड बाय द इनर सिटाडेल ऑफ सिटी ऑफ दीनपना. इट इज लोकेटेड नियर द एक्सपेंसिव प्रगति मैदान एग्जीबिशन ग्राउंड. तो दोस्तों ये जो है जाहिर सी बात है मैं बता दूँ कि ये देखिए इसको बनाया गया था हुमायूं, ठीक है. पुराना किला है लाल किला, पुराना किला अलग है लाल किला अलग है. तो पुराना किला को ओल्ड किला ओल्ड फोर्ट भी कहते हैं और ये सबसे पुराना किलों में से एक दिल्ली के. इसको हुमायूं ने बनाया था, फिर बाद में शेरशाह सूरी ने भी इसको बनवाया था. और ये इसके बारे में और भी बहुत बात इंपॉर्टेंट है कि ये इसका इतिहास है कि इंद्रप्रस्थ जो सिटी था उसी के आसपास में इसको बनाया गया था. दूसरी बात है दोस्तों कि दीनपना से रिलेटेड है और ये जो है इसका जो विस्तार है, इसके मैदान का विस्तार जो है प्रगति मैदान जो वर्तमान में है, जहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड उसको कहते हैं, जहाँ एग्जीबिशन लगता है, तो उस तक है ये क्षेत्र. तो उसका प्रगति मैदान, इसके एरिया को प्रगति मैदान में भी ले लिया गया है. तो देखिए चलिए कहने को कि फैला हुआ है. ग्रेट फोर्ट दिल्ली के बारे में जानते हैं दोस्तों. लाल किला क्या है? द रेड फोर्ट और लाल किला इज अ हिस्टोरिक फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली. दिल्ली दैट सर्व्ड एज अ मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स. एम्परर शाह जहां कमीशन्ड कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 12th May 1638 when he decided to shift his capital from Agra to Delhi. It is accredited to architect Ustad Ahmad Lahori who also constructed the Taj Mahal. दोस्तों ये ताज महल जो है, ताज महल किसने बनवाया था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था. और लाल किला किसने बनाया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था. और देखिए ये शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था 12 मई 1968 में इसका शुरुआत, 12 मई 1638 को इसका शुरुआत हुआ था. जब उसने मतलब शाहजहाँ ने अपनी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली को शिफ्ट किया था शाहजहाँ द्वारा, तब लाल किला के हिस्टोरिक है और पुरानी क्या रहा है, इन ओल्ड दिल्ली, पुरानी दिल्ली का हिस्सा है ये. दिल्ली जो है, दिल्ली दैट सर्व एज मेनी रेसिडेंस, यहाँ जो है कई राजाओं का, मुगल जो सम्राट थे उनका जो है रहा है निवास स्थान, ठीक है. तो ये सब खास महत्वपूर्ण बात था जो आप इस पे फोकस करके ध्यान में रख सकते हैं. बाकी आप इसे याद कर लीजिए. इसके बारे में अगर कभी छोटे से स्पीच देना हो ना तो ये आप स्पीच दे सकते हैं थोड़ा सा. चलिए अब देखिए ये है गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों. गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? द गेटवे ऑफ इंडिया इज एन आर्क मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द अर्ली 20th century इन द सिटी ऑफ मुंबई. इट वॉज इरेक्टेड टू कमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग एम्परर जॉर्ज 5 द फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क टू विजिट इंडिया इन December 1911 एट स्ट्रैंड रोड नियर द वेलिंगटन फाउंटेन. द फाइनल डिजाइन ऑफ द मॉन्यूमेंट बाय द आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट वॉज द सैंक्शन्ड ओनली 1914. द स्ट्रक्चर इन मेमोरियल आर्क मेड ऑफ द बसाल्ट विच इन 26 मीटर फीट की बात की जाए तो 85 फीट साइड. दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आप जानते हैं मुंबई में जो है एकदम समुद्री के किनारा वाला एरिया है, अरब सागर से जो कह सकते हैं अरब सागर का साइड ये है. और 20वीं सदी में इसे बनाया गया था, जाहिर सी बात है. और कह सकते हैं ये जो है किंग जो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज 5, ठीक है, उसके जब उन्होंने जो इंडिया आ रहे थे तो 1911 में, तो उसी के समय आसपास का ये बना हुआ है. कह सकते हैं इसके जो फाइनल डिजाइन जो किया था आर्किटेक्ट जो थे जॉर्ज विटेट, ठीक है, सैंक्शन इन्होंने 1914 में किया था कि भाई हुआ था ये सैंक्शन हुआ था. और स्ट्रक्चर जो है मेमोरियल आर्क मेड ऑफ द बेसाल्ट का, बेसाल्ट पत्थर का बना हुआ है इसका, इससे बहुत है जाहिर सी बात है. हाइट की बात की जाए तो 26 मीटर है, फीट में बात की जाए तो 85 मीटर हाइट है,
दोस्तों जो कहने का मतलब कि आप इसे देखिए, आप थोड़ा सा एफर्ट लगाकर इसे आप अच्छे से बोल सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। नेक्स्ट देखिए गोल्डन टेंपल पंजाब, गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर जिसे कहते हैं हम लोग। और दोस्तों गोल्डन टेंपल के बारे में ये जानिए, गोल्डन टेंपल जो है ये जो आप देख रहे हैं सुनारा, जिसमें पूरा सोने का जो है एक परत चढ़ा दिया गया है ना, इसलिए गोल्डन टेंपल कहते हैं इसे। तो द गोल्डन टेंपल ऑल्सो नोन एज द हरमंदिर साहिब, और भी कई नामों से जाना जाता है इसे, लेकिन हरमंदिर साहिब के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा तो कहते ही है। इज अ गुरुद्वारा लोकेटेड इन द सिटी ऑफ द अमृतसर पंजाब। द मैन मेड पूल ऑन द साइट ऑफ द टेम्पल वॉज कम्प्लीटेड बाय द 4th-6th गुरु रामदास, ठीक है। तो भगवान जो सिखों के जो गुरु हैं गुरु रामदास जी, तो उन्होंने 1577 में इसको बनवाया था। और देखिए ये जो एक झील में है और एक रास्ता बना हुआ, मैं आदमी के द्वारा पुल बनाया गया मंदिर तक जाने के लिए, तो गुजारा है। और इस गोल्डन टेम्पल के बारे में ही कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारी था। नेक्स्ट देखिए चार मीनार जो कि आंध्र प्रदेश में है, एक्चुअली आंध्र प्रदेश में था, अब अभी भी है वर्तमान में भी, लेकिन ये तेलंगाना का अभी हिस्सा हो जाएगा बाद में। तो कि चार मीनार इज अ मोस्क एंड मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना। तो दोस्तों चार मीनार जो एक मकबरा है, मोस्क है ना, मोस्क मस्जिद, ठीक है, एक समझ सकते हैं। एंड मॉन्यूमेंट है, तो देखिए जो हैदराबाद में जो कि तेलंगाना का हिस्सा हो जाएगा, अभी तो चार में आंध्र प्रदेश में भी कहा जाता है क्योंकि दोनों का लगाने ही है। तेलंगाना इट्स कंस्ट्रक्टेड इन 1591, इसका जो निर्माण हुआ था 1591 में। द लैंडमार्क इज द सिम्बॉल ऑफ द हैदराबाद एंड है ना, ये क्या हैदराबाद का जो सिम्बॉल मार्क है, जैसी बात है सिम्बॉलिक है, ये पहचान है कि हैदराबाद का पहचान चार मीनार है ना। चार मीनार कहाँ है भाई, लोग पूछते हैं, तो हैदराबाद में। एंड ऑफिशियली इनकॉर्पोरेटेड इन द एम्बल ऑफ तेलंगाना, यानी तेलंगाना का ये ऑफिस मतलब सरकारी तौर पर इसका जो है क्या पहचान भी है, ये रख दिया गया ना। चार मीनार इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ मूसी रिवर, यह चार मीनार जो है मूसी नदी के किनारे में अवस्थित है ना। नेक्स्ट देखिए हवा महल राजस्थान, दोस्तों हवा महल इज अ पैलेस इन द सिटी ऑफ जयपुर, इट्स बिल्ट फ्रॉम रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 1799 बाय द महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ग्रैंड सन ऑफ महाराजा सवाई जय सिंह, द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ जयपुर। ही वॉज द सो इंस्पायर्ड बाय द यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ खेतरी महल दैट ही बिल्ट दिस ग्रैंड एंड हिस्टोरिकल पैलेस। कहने का मतलब है दोस्तों हवा महल जो है एक जो भवन है, पैलेस जो है वो जयपुर में है, जयपुर शहर में इसको बनवाया गया था लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, है ना, ऐसा कर सकते हैं मतलब। द स्ट्रक्चर वॉज द बिल्ट, इसको बनवाया गया था 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह, जो कि परपोता थे, ठीक है, पोता, हाँ जी पोता थे, ठीक, ग्रैंड सन, तो पोता थे महाराजा सवाई जय सिंह के, जो जिन्होंने जयपुर सिटी को जो है जयपुर सिटी को ये स्थापना किया था, उनके पोता के द्वारा बनवाया गया था ये, ठीक है, सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई जय सिंह के पोता के द्वारा, जिनका नाम था महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 बनवाया गया था। और यह यूनिक है, मतलब ये इंस्पायर्ड है खेतरी महल से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ये है राजभवन वेस्ट बंगाल, इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिल्ली में राजधानी मतलब आने से पहले यहीं से सब कुछ चल रहा था पूरे देश में गतिविधि, राज तो यहाँ भवन है, लिख लीजिए भवन, ठीक है। देखिए राजभवन इज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, वर्तमान में तो भाई वेस्ट बंगाल के जो है गवर्नर वहाँ रहते हैं, लोकेटेड इन कोलकाता, जो कोलकाता में, इट्स इन बिल्ट, यह 1803 में बनवाया गया था। इट वॉज नोन एज गवर्नमेंट हाउस बिफोर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले इसे गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। इट बिकम द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द वाइसराय 1858
के बाद यहाँ जो है वाइसराय ऑफ इंडिया का जो निवास स्थान हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये है द ग्रेट स्तूपा मध्य प्रदेश, सांची में स्थित है। और ग्रेट स्तूप जो है, द ग्रेट स्तूपा इज अ हिस्टोरिक साइट ऑफ सांची इन मध्य प्रदेश स्टेट इंडिया। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट स्तूप एट द साइट। इट बिल्ट इन द 3rd century BC by Ashoka and believed to the house as of Buddha. The building is 120 feet 37 meters and 54 feet meters, बात करें 17 meters high, है ना high। तो दोस्तों क्या समझा, मैं समझाता हूँ एक छोटे से, इसे याद कर सकते हैं। और ये है दोस्तों कि द ग्रेट स्तूप जो है, समझिए से, ये एक ऐतिहासिक मतलब साइट है जो कि सांची मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सांची में है, जो कि इंडिया में है। और ये सबसे पुराना बौद्ध मॉन्यूमेंट्स है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, पूरे देश में सबसे बड़ा भी है। और ये जो है 3rd शताब्दी में जो मौर्य सम्राट थे अशोक द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर बुद्ध भगवान के जो है राख को, अस्थि के जो राख थे उसको भी कहते हैं कि रखा गया है। यह बिल्डिंग जो है 120 फीट ऊंचा है, मीटर में बात की जाए 37 मीटर, और ठीक है, जबकि ये वाइड है मतलब चौड़ा है, और 54 फीट है, 54 फीट या मीटर में 17 मीटर कहा जाए, ये ऊंचा है। तो फैला हुआ 120 फीट में और ऊंचा है 54 फीट। द टावर ऑफ विक्ट्री राजस्थान, जिसे विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। और द टावर ऑफ विक्ट्री के बारे में क्या छोटी सी बात, द टावर ऑफ विक्ट्री जिसे विजय स्तंभ, इज अ मॉन्यूमेंट लोकेटेड विद इन द चित्तौर फोर्ट इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान। द टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द हिंदू राजपूत किंग राणा कुंभ ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के राजा जो कि राजपूत राजा थे, राणा कुंभा, उनके द्वारा इसको स्थापित मतलब बनवाकर स्थापित किया गया था। ऐसे जो है विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मतलब स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए क्वेश्चंस भी हमेशा आते हैं उससे रिलेटेड। देखिए विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल, तो आप कोलकाता गए हो तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जरूर गए हो। तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज अ लार्ज मार्बल बिल्डिंग ऑन द मैदान इन सेंट्रल कोलकाता बिटवीन द 1906 एंड 1921, यानी 1621 के बीच में इसे बनवाया गया था, जो कि मध्य कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के नाम जाता है, वर्तमान में इसे म्यूजियम के रूप में बदल दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कुछ नहीं कीजिए तो लाइक कीजिए अगर यहाँ तक पहुँच गए दोस्तों। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने में 19 घंटे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, मिलते हैं, ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।